Hello everyone, welcome back on my channel. In this lecture we are discuss about the problem set 3. Okay, now 3.1 se leke 3.4 hamara complete ho chuka hai. Now problem set ka question number 1 jo MCQ based question hai and kafi important question hai iske. Now sabse pehle kya diya hai, the sequence is minus 10 minus 6 minus 2 and 2 and aapko option ke according b find out karna hai और एपी है या नहीं वो फाइंड आउट करना. सो डी के लिए फॉर्मूला क्या था, टी टू माइनस टी वन. सो फॉर्मूला मत अप्लाई करो बट वैल्यूज यहाँ पे देख लो, ऐसे पुट कर देंगे. माइनस सिक्स प्लस टेन, सो योर आंसर इज 4. नेक्स्ट है माइनस टू माइनस माइनस सिक्स, सो योर आंसर इज माइनस टू प्लस सिक्स इज 4. कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और गिवन सिक्वेंस क्या है, एपी. तो पहले का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपीआर कौन से है वो नहीं हमें नहीं पता, बट बोला है फर्स्ट टर्म इज माइनस 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी माइनस 2. नाउ एपी आपके माइनस 2 दिया है और टी भी माइनस 2 दिया है. चलो तो टी 2 कितना हो जाएगा, ए प्लस डी. टी 2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी. सो माइनस 2 प्लस माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 0. नाउ टी 3 क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 2. ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है, हाँ माइनस 2. सो यहाँ पे आ जाएगा, वेट, प्लस माइनस माइनस, वेट 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 वेट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2. माइनस 2 इज माइनस 4, देन आफ्टर माइनस 4 माइनस 2 is minus 6. तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, ऑप्शन सी. ओके, तो पहले का आंसर बी था, सेकेंड का सी. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर. फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का सम कितना, सिंपल. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे एस 30 फाइंड आउट करना है, बराबर. नेचुरल नंबर इस 1 से स्टार्ट होकर 30 तक जाना है. सो नाउ 30 अपॉन 2, एन अपॉन 2 मतलब 30 अपॉन 2. पहला नंबर क्या होगा, 1, एंड लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 30. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा कॉमन सेंस. आपको यहाँ पे एसएन का बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. कैसे, आपको पता है सिक्वेंस क्या हो जाएगी, 1 2 3, ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 30. लास्ट नंबर भी 30 है, आई मीन लास्ट टर्म भी 30 है और एन भी कितना हो जाएगा, 30. नाउ 15 मल्टीप्लाई विथ 31, सो योर आंसर इज 465. योर आंसर इज 465. आपको ये शॉर्टकट मेथड है, आपको क्या याद रखना है, 1 से लेके 30 तक के नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे करते करते 30 तक जाना, बराबर. सो यू नो दैट फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 30, बराबर. तो ये जो टीएन का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला वो यूज कर देना. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन एपी, एपी गिवन एपी, टी 7 इज 4, डी इज इक्वल्स टू माइनस 4, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना. चलो यहाँ पे लिखो टी 7 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस 4. टी 7 का वैल्यू दिया है 4, ए प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ माइनस 4, बराबर. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 24 इज इक्वल्स टू ए, ए का वैल्यू हो जाएगा 28. ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28. क्लियर है. चलो क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन ए पी, ए इज इक्वल्स टू 3.5, डी इज इक्वल्स टू 0, n is equals to 101. So tn kitna? So 3.5 plus 101 multiply with 0. Kafi complicated hai, answer aa jayega 3.5. Koi bhi number ko 0 se multiply karo, so at last answer kya aa jayega, 0. Chalo. Question number 6. In an AP, first two term are minus 3 and minus 4. And aapko find out karna hai 21st term. चलो ए का वैल्यू क्या है, माइनस 3. डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7. और आपको 21 टर्म फाइंड आउट करना.
ए का वैल्यू है माइनस थ्री प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 7 माइनस 3 प्लस 27 जा 140, आंसर आ जाएगा 137। आपका आंसर क्या आ जाएगा 137। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। D इज इक्वल टू 5, आपको फाइंड आउट करना है T18 माइनस T13। T18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 17D बराबर, और इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 12D। क्लियर? नाउ मुझे पता है कि A प्लस 17D की वैल्यू कितनी दी है 5, सो A प्लस 17 5 का कितना हो जाएगा 85। 17 5 का कितना हो जाएगा 85। क्लियर है? 170 160 85। हाँ, A प्लस 85, इसका आंसर क्या आ जाएगा A प्लस 12 मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल टू A प्लस 60। अब आपको क्या करना है, टर्म 18 में से टर्म 13 माइनस कर देना है। तो टर्म 18 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 85 माइनस A प्लस 60। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका आंसर आएगा A प्लस 85 माइनस A माइनस 60। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 85 में से अगर 60 माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा 25। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, तो पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाते हैं, 3 6 फिर 9 12 और 15 बराबर। इसका आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना। नाउ इसको आप डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हो, 15 एंड 15 30 30 एंड 15 45 बराबर। क्यू एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नहीं तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला लॉजिक भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, 15 10 5 इज एन एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। ओके, सो नाउ 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई विथ 15 माइनस प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ, याद रखना 10 माइनस 15 है, T2 माइनस T1 इज माइनस 5 बराबर। चलो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 30 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 इंटू 5 45, तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई विथ माइनस 15, सो योर आंसर इज माइनस 75। जितने शॉर्टकट यूज करने करो बट आंसर लाने से मतलब है। 10th क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज 1 लास्ट टर्म इज 20, ओके, सम ऑफ ऑल टर्म इज 399 एंड फाइंड आउट करना। तो देखो 399 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस 20 बराबर। चलो नाउ 399 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू एन। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया पता चला, एस एन वाला। नाउ इसको डिवाइड करो 21 से, डेफिनेटली 21 से डिवाइड होता होगा, 21 वन सा रिमेनिंग इज 189 इस 9 सा, ओके 19 टू सा कितना हो जाएगा 38, आंसर कितना आ जाएगा 38। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ। थैंक यू।